सावन का महीना चल रहा है और सावन इस बार ठाट बाट से आया है। ठाकुर जी की खूब कृपा हुई है और इस बार 2 माह तक सावन के आनंद लिए हैं सभी ने, चाहे मंदिरों में हो या समाज के महोत्सवों में खूब आनंद ठाट हुए हैं। और 4 की जगह इस बार 8 सोमवार भी आए हैं, अधिक मास भी आया है तो खूब ठाट बाट हुए हैं। भोलेनाथ की खूब कृपा हुई है और ये कृपा आप देख रहे हैं, बहुत आनंदी आनंद सबके चेहरे पर दिख रहा है। हम जिलों की नगरी उदयपुर के राजेंद्र नगर में आर्यन क्लब के आयोजन में हुए आए हैं और यहाँ सावन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। किस तरह से ये आयोजन हो रहा है और क्या कह रही हैं या भाग लेने वाली महिलाएं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। महिलाओं के सावन उत्सव के आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं ऐसा अनूठा और अलौकिक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने शिवजी के साथ सावन उत्सव मनाया है और वो भी ठाट बाट के साथ। शिवजी की बारात निकाली है और खूब आनंद ठाट सभी आयोजन शिवजी के साथ हुए हैं। क्या आयोजन हुआ और क्या कह रही है महिलाएं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सावन उत्सव तो सावन उत्सव होता है और सावन उत्सव में अगर बाग और बगीचे नहीं हो तो ये सावन उत्सव यूं ही लगता है। सखियां इकट्ठी हुई हैं और सखियों के बाग बगीचे में मोर बनके कौन नाच रहा है, आप भी देखें किस तरह से ये आनंद आ रहा है सभी सखियों को। सावन में मोरनी बनके नाचो छम छम नाचूं, मैं तो छम छम नाचूं। सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं, मैं तो छम छम नाचूं। सावरिया तेरी याद में सावन महोत्सव हो रहा है और सावन महोत्सव में स्वयं भोलेनाथ आए हैं, खूब कृपा की है भोलेनाथ ने और सभी आयोजन हुए हैं भोलेनाथ की साक्षी में, चाहे रैंप वॉक हो या हाउजी का गेम हो या और कंपटीशन हो या वेस्टर्न म्यूजिक पे या अन्य राजस्थानी म्यूजिक पे डांस हो, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। जहाँ पे याद करो भोलेनाथ पार्वती जी सहित और अपने भूत गणों सहित आ जाते हैं बड़े ठाट बाट से और खूब आनंद करते हैं। यहाँ पे भी भोलेनाथ आए हैं और सभी के चेहरे पर खूब खुशी ही खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। भोलेनाथ से ही भोलेनाथ किस प्रकार से कृपा कर रहे हैं और इस कलयुग में सभी महिला जनों को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं बताएं। सभी को मेरा आशीर्वाद, सब सुखी रहे, सुखी रहे। पार्वती जी आप क्या कहना चाहते हैं? सब खुश रहे, खुश रहे। और जो यहाँ पर महोत्सव हुआ है, उत्सव हुआ है, उसमें सावन क्वीन जो बनी है वो कविता जी मारवाड़ी है और ये मिसेज सावन बनी है, आप बताएं किस तरह की खुशी हो रही है आपको? मुझे इतनी खुशी हो रही है, आज आर्यन लेडीज क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनने मुझे मोटिवेट किया कि आप पार्टिसिपेट करो तो मैंने भाग लिया। बहुत आगे बढ़ाते हैं लेडीज को और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज वाकई मेरा ड्रीम पूरा हुआ। और क्या कहना है आपको? यहाँ आर्यन क्लब की तरफ से सावन उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें सबसे पहले हमने शिव पार्वती का विवाह करवाया है और फिर मिसेस सावन क्वीन का कंपटीशन रखा है जिसमें सभी ने पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से किया है। आप बताओ क्या कहना? इसमें हमने शिव पार्वती का की बारात निकाली, उसके बाद हमने उनका यहाँ पूरा आधा घंटे का हमारा प्रोग्राम हुआ, फिर मिसेस सावन कॉम्पिटिशन हुआ, क्वेश्चन आंसर राउंड्स हुए और एक हमारे मेंबर्स में से एक मिसेस सावन चुनी गई थी जो कविता मेटिया मिसेस सावन 2023 बनी है। आप बताओ सावन में इस बार कैसा आनंद आया? आनंद सावन में बहुत मजा आया, शिव पार्वती विवाह किया हमने, बहुत मजा एंजॉय किया, शिवजी पार्वती का डांस हुआ, सभी ने बहुत एंजॉय किया। आप बताओ। जय श्री कृष्णा। हम लोगों ने आर्यन क्लब का जो लेडीज क्लब है उसकी तरफ से एक सावन उत्सव रखा था जिसमें हमने शिव पार्वती जी का विवाह करवाया था, पूरा म्यूजिकल था, बहुत हम लोगों ने डांस किया, बहुत मस्ती की और हमारी टीम सावन थी। बताओ आपने क्या किया है?
हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छी व्यवस्था करी इन लोगों ने। आप बताओ। यहाँ पे हमने अभी आर्यन क्लब के जैसे सावन उत्सव रखा था, उसमें शिव पार्वती का एक विवाह किया और इसी के साथ हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम रखे। सामूहिक रूप से सभी महिलाओं ने भाग लिया और खूब आनंद उठाया। और अब उसके बाद अब डिनर का प्रोग्राम है। राजेंद्र नगर के अंदर एक क्लब चलता है आर्यन क्लब, जिसके अंदर हमारी कार्यकारिणी में इस बार विनीता, अंजना और निधि और प्रियंका को कार्यकारिणी चुना गया था। इन लोगों ने इस बार जो पहला प्रोग्राम रखा है उसमें शिव पार्वती की विवाह का रखा गया और सावन का बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। आपको कैसा आनंद आया? बहुत बहुत आनंद आया। आर्यन क्लब के हम 4 स्थायी मेंबर हैं और हमारे ही गाइडेंस में ये बच्चे काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 4 के आज 40 दिख रहे हैं और अब 80 दिखेंगे और इस तरह से पूरा आर्यन क्लब का कुंबा बढ़ेगा। हाँ, बताएं किस तरह की नहीं, हमारे 4 संरक्षक है। हाँ, हमारी गाइडेंस में ये सब नई कार्यकारिणी आई काम कर रही है, ने शुरुआत ही बहुत अच्छी करी और हम आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी साल भर हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम है। बताओ किस तरह की खुशी हो रही है? बहुत बहुत खुशी हो रही है, आनंद। आप बताओ। इसमें शिव पार्वती का विवाह हुआ और बहुत अच्छा लगा। आप बताओ क्या अच्छा लगा आपको? रैंपवॉक अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सबने करा। आप बताओ। भोलेनाथ की बारात निकली, फिर पत्थर के पेड़ के वहाँ से भोलेनाथ खड़े हुए थे शिव शंकर भगवान, वहाँ से निकली बारात। और बारात में बच्चे वगैरह बहुत भूत प्रेत वगैरह सब बने थे, तो बहुत मजा आया। डर तो नहीं लगा आपको? बताओ। आर्यन क्लब की मैनेजमेंट को मैं सबसे पहले बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ आर्यन लेडीज। आर्यन क्लब के वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य में जूनियर ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया और हम सब ने बहुत आनंद लिया। आर्यन क्लब में कार्यावास में अभी गीत भी गाए गए और शिव जी की शादी भी हुई, इसमें हाउजी का गेम आदि और आप तो हाउजी की जगह बहुजी बन के और घूंघटा निकला आपने। आजकल बहुजी नहीं निकाल रहे, घूंघटा और हाउजी निकाल रहे। बताओ कैसा आनंद आया? बहुत आनंद आया। हाँ बताओ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हाँ बताओ। क्लब के द्वारा जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, भविष्य में भी इसी तरह के प्रोग्राम होंगे, हम सभी जैसे बहुत आनंद। क्या अच्छा लगा आपको आज हमारे क्लब में? आर्यन क्लब में बहुत अच्छी, वो जो शिव जी की सवारी निकली ना, हमने उसमें बहुत नाच गाना किया और आनंद का वो हमने लगा कि ऐसा बारात में जा रहे हैं। हाँ बताओ। शिव पार्वती का जो विवाह हुआ था, जो स्टार्टिंग से बारात में आए थे शिव जी और उनके साथ सारी महिलाएं नाची आर्यन क्लब की, तो बहुत ही आनंद आया। इसीलिए अभी तक शिव पार्वती के विवाह में बैठे हैं। भजन करते भजन करते जाएंगे और अच्छा लगेगा। आर्यन क्लब में ये प्रोग्राम हुआ उसमें मैंने भाग लिया और मैं तो दुल्हन बन के आई हूँ, सज धज के बड़े बस तैयार हो गया। बताओ क्या कहना? आज मैं तो शिव जी और पार्वती जी के विवाह की साक्षी बनी हूँ, इसकी मुझे बड़ी खुशी हुई और उससे ज्यादा खुशी आपके चैनल पर ये हमारा प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है, इसकी भी हमें बहुत खुशी हुई। हाँ। महिलाएं बहुत सुंदर से तैयार होकर आई है और इस आयोजन को बहुत सफल बनाया है। सभी से यही उम्मीद लगाते हैं, आर्यन क्लब के सभी सदस्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में तैयार होते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ती जाए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, कैसा है? कई पिछले कई वर्षों से आर्यन क्लब अच्छा काम कर रहा है और हमारे जो अग्रवाल समाज है, हम ये चाहते हैं कि कॉलोनी में सभी इसमें संगठित रहे और आगे सभी मिलजुल कर इसमें पूरा सहयोग दें और अच्छे से हमेशा। हाँ, आगे बताओ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब लोग लहरिया के ऊपर ड्रेसअप होकर आए हैं, सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और सबने बहुत एंजॉय किया, सबका बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट रहा और सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सबका अच्छा लगा, बहुत अच्छा एंजॉय करा। सावन क्वीन बनी हैं और सावन क्वीन बनने के लिए बहुत बड़ा आयोजन इन्होंने किया है, कई प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे लेकिन सावन क्वीन बनने का मौका तो एक को ही मिलता है और वो भी सावन क्वीन बनने के बाद काफ़ी खुश होता है और यहाँ पर सभी महिलाओं ने उनका बहुमान किया है, सम्मान किया है। यहाँ पर विविध आयोजन हुए हैं और प्रतियोगिता के परिणाम निकले हैं, सावन क्वीन के परिणाम में ये प्रतिभागी सबसे प्रथम रहे और इन्हें ताज पहनाकर सम्मानित भी किया गया। विशेष रूप से जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें सभी का सम्मान किया जाता है और कई प्रतियोगिता ऐसी होती हैं जिसमें सभी भाग लेते हैं और खूब
कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा भी होती हैं, लेकिन जीत का सेहरा तो एक के नाम ही होगा और सभी में से चुनकर आई हैं ये प्रतिभागी, बहुत ही आनंदित हो रही हैं और खूब आनंद तो जब आता है सभी महिलाओं को कि सखियों के साथ में सभी आयोजनों में वे भाग लें और निरापद रूप से सभी यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेकर एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखें। मैं आरएन लेजेसी क्लब के लिए यही बोलना चाहूँगी कि बहुत तन मन और धन से मेहनत करते हैं सभी जने बहुत ही अच्छे से, तो उसी को मतलब सेलिब्रेट करने में मजा भी आता है बहुत। इस बार सावन के ठाट बाट निराले ही रहे हैं, कई वर्ष में एक बार सावन आता है और इस बार दो बार सावन आया है, तो ठाट बाट भोलेनाथ के साथ सभी भक्तगण खूब आनंदित हुए हैं।